हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। होप एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आज मैं लाया हूँ फिर से एक एपिसोड, एक ट्रिक लाया हूँ आपके M30S के लिए। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे इससे रिलेटेड कि कैसे इसको, कोई आप टिप बताएं जिससे हम इसको थ्रू आउट मतलब फास्ट रहे, हैंगिंग की प्रॉब्लम ना आए। होता क्या है फ्रेंड्स, ये सभी फ़ोन में होता है, खाली M30S की बात नहीं कर रहा मैं। तो जो भी फ़ोन आपके पास है तो उस पर ये एप्लीकेबल होगा, बट हम आपको डेमो देंगे M30S पर। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब आप फ़ोन नया लेते हैं तो काफ़ी लोगों को उसका कैसे उसको रखना है ना, असल में ये स्मार्टफोन्स को रखने का एक तरीका होता है, हर एक चीज़ का एक तौर तरीका होता है, एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, वो काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होता। तो ये ऐसी चीज़ें, ऐसी टिप्स मैं लाता रहता हूँ इस चैनल पर। तो ये अब मैं M30S के लिए लाया हूँ, तो हो सकता है आपको काफ़ी उनको पता हो, बट ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों को ना पता हो कि कैसे आप मेमोरी को, अपने फ़ोन की मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकते हैं, उसमें जो जंक मेमोरी में चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं वो फ़ोन को विद टाइम स्लो कर देती हैं। तो कैसे उससे बचा जाए और कैसे उसकी मैनेजमेंट की जाए अपने फ़ोन की मेमोरी को लेके, ताकि आपका फ़ोन हमेशा फास्ट नए की तरह रहे। काफ़ी बार आपने सोचा होगा स्टार्टिंग में, ये फ़ोन बहुत अच्छा था मेरा, 3-4 महीने बाद काफ़ी पता नहीं क्या हुआ, मैं तो बहुत अच्छे से मेंटेन रखता हूँ, स्लो हो गया। ये तकलीफ़, ये प्रॉब्लम कईयों को रिपोर्ट करते हैं, मुझे भी, और जनरली काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होता। तो मेरा इस वीडियो का मेन उद्देश्य या एम या मैसेज इसमें यही है कि कैसे आपने वो मेमोरी रिफ़्रेश करनी है, वो मेमोरी जो बेकार की चीज़ों में फंस गई है, क्योंकि जितना इसका जो वर्कअप मेमोरी कहते हैं ना, इसमें जो फ्री रहेगी उतना दिमाग इसका अच्छे से, उतना प्रोसेसर अच्छे से काम करेगा, जितनी फालतू चीज़ में भरी रहेंगी उतना आपका फ़ोन धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। तो वो कैसे करना है, खाली सिर्फ एक स्टेप है आजकल के फ़ोन में, पहले थोड़ा झंझट होता था, अब M30S में बहुत अच्छा एक सोल्यूशन दिया गया है, वही बताने वाला हूँ, सिंपली फ़ोन के ऊपर बताऊँगा। एक स्टेप है, उसको आप महीने में एक बार कर लें, ऐसा करने से आपकी फ़ोन का जो एकदम दिमाग रिफ़्रेश हो जाएगा और ये पहले की तरह बिल्कुल फास्ट रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कैसे करना है वो मैं आपको जाके अभी बताता हूँ, डिवाइस मैनेजमेंट में जाके आपको करना है, अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। उससे पहले एक चीज़, दो चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं हीटिंग इशू मुझे आता है ड्यूरिंग प्ले गेम प्ले। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास आईफोन XS है, फ्लैगशिप फ़ोन है, ये भी गर्म होता है। कोई भी दुनिया का फ़ोन होगा, जब आप इंटेंसिव टास्क करेंगे उससे, जैसे गेमिंग, पबजी गेम खेलना, बड़ी हैवी कोई एप्लीकेशन नहीं, वीडियो एडिट करना फ़ोन के ऊपर, फिर एडिट फ़ोटो एडिट करना बहुत हैवीली, फ़ोटो एडिटिंग हालांकि इतना हैवी वर्क नहीं है, वीडियो ज़्यादा है, स्लो मोशन में जो उसमें, फिर उसमें गाने डालना, मतलब ये जो हैवी टास्क हैं वो अगर आप करते हैं अपने फ़ोन के ऊपर, तो भाई प्रोसेसर काम करेगा उसमें, जब प्रोसेसर काम करेगा तो हीट प्रोड्यूस होती है और फिर उसमें गर्म होना वो नॉर्मल बात है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये M30S से भी नहीं है, ये हर एक फ़ोन में आपको मिलेगा ये चीज़, तो इससे आप परेशान ना हो। और जो जो M30S के ओनर है, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप निश्चिंत हैं इस फ़ोन से, एकदम बिंदास मस्त चल रहा है आपका फ़ोन, तो वो भी ज़रूर कमेंट करें, ताकि जो जनता है आम उसमें एक पॉजिटिव मैसेज आए और जो लेना चाहते हैं उसको कॉन्फिडेंटली ले पाएँ। एंड अब आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, कैसे आपने डिवाइस मैनेजमेंट करनी है, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना और फ़ोन को हमेशा फास्ट कैसे रखें, उसका एक छोटा सा इलाज है वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में जाके आपने जाना है डिवाइस केयर में, ये रहा डिवाइस केयर। इसके बाद जब आप जाएंगे डिवाइस केयर में, तो सबसे पहले तो आपको आपके स्टेटस पता लग जाएगा फ़ोन का कैसा है। अब जैसे 96 बता रहा है तो एक्सलेंट है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो यहीं से आपको ये कहेगा ऑप्टिमाइज नाउ, तो वो बस आप दबाएंगे तो उससे जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो हट जाएगी। पर हमारा आज का मेन मुद्दा है मेमोरी को रिफ़्रेश करना, तो ये है वो मेमोरी। तीसरे पॉइंट पे आप आएँ तो इसमें आपको पता लगेगा कितनी मेमोरी इसमें फालतू में आपकी वेस्ट हो रही है। अब देखिए, अब ये दिखा रहा है आपके सिस्टम में, एक में 2.1 GB लगी हुई है, अवेलेबल स्पेस है 1.4 GB, अब रिजर्व्ड है 508 MB। अब ये दिखा रहा है, देखिए 1.3 GB वेस्ट हो रही है मेरी मेमोरी, जो कि एक कैमरे में, फ़ोन की मेमोरी में, कॉन्टैक्ट्स की मेमोरी में
व्हाट्सएप के मैसेज में, और इसमें आप व्यू करेंगे यूज़र डिक्शनरी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो यूज़ कर रहे हैं ऐप्स मेरी मेमोरी को, वो हमें अब क्लीन करना है। बस मैंने क्लीन नाउ दबाना है। इससे होगा क्या, आपकी जो 4 GB रैम इससे इम्प्रूव होगी। और अब देखिए इसका मज़ा, जैसे इन्होंने क्लीन की मेमोरी, क्लीन, अब देखिए 1.3 GB की जो रैम वेस्ट हो रही थी वो मैंने क्लियर कर दी। अब हमारे पास सिस्टम एंड ऐप्स में 1.7 GB ले रखी है, और देखिए कितनी हमारे पास अब फ्री हो गई, 1.9, ऑलमोस्ट 2 GB मैंने इसमें रैम फ्री कर ली। इससे क्या होगा, अब ये मेरा फ़ोन बहुत ही ज़बर तरह से सुपर फास्टली हमेशा काम करेगा। तो इस तरह से आपको महीने में एक बार ये चीज़ करनी है। तो ये था इलाज इसको हमेशा फास्ट रखने का थ्रू आउट। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अभी इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और कमेंट जरूर रखें कैसा लगा आपको वीडियो। और आपका कोई सुझाव या आपके पास भी कोई टिप है जो मैं ये आम जनता में शेयर कर दूं, मतलब आपके पास भी नॉलेज हो सकता है, मेरे पास नॉलेज है, हो सकता है किसी और के पास मेरे से ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो, और वो अभी टिप या वो टेक्निक शायद मुझे भी ना बताओ, और अगर पता भी होगी तो वो मैं चाहूँगा कि मेरे नॉलेज में ना हो कि मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं, तो मैं वो शेयर कर दूँगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसी टेक्निक आपके पास, टिप जो मैंने मिस कर दी हो या अभी तक मैंने नहीं बनाया जिसमें वीडियो, तो आप ज़रूर बताएं मुझे। मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं doctoramrocks@gmail.com पे, और आप इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर आप मैसेज करके मुझे बताएं, तो वो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाकर आम जनता के पास ज़रूर पहुँचाऊँगा। होप आपको पसंद आएगा वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। कीप रॉकिंग।